आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस को टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर के साथ। और इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसे रीजंस बताने वाला हूँ कि अगर आप भी एक सेवन सीटर लेना चाहते हो तो क्यों आपको इनोवा हाईक्रॉस लेनी चाहिए फॉर्च्यूनर लेजेंडर को रिजेक्ट करके। सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस को। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, फॉर्च्यूनर लेजेंडर इनोवा हाईक्रॉस से लेंथ, विड्थ और हाइट इन तीनों ही डायमेंशंस में थोड़ी बड़ी है, पर व्हील बेस में इनोवा हाईक्रॉस फॉर्च्यूनर लेजेंडर से काफी बड़ी है, जिसके कारण आपको इनोवा हाईक्रॉस के कैबिन में काफी बढ़िया स्पेस मिलेगी। और कैबिन के तीनों ही रोज में काफी बढ़िया स्पेस मिलने के बाद भी इनोवा हाईक्रॉस में आपको बूट स्पेस भी काफी अच्छी खासी मिलेगी कम्पेयर टू फॉर्च्यूनर लेजेंडर। और इसी के कारण आप इनोवा हाईक्रॉस में आप काफी कंफर्टेबली जा सकते हो लॉन्ग ट्रिप पे, और काफी सारा सामान भी आपका इनोवा हाईक्रॉस में ले जा सकते हो। अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों में मिलने वाले इंजन ऑप्शंस को। फॉर्च्यूनर लेजेंडर में आपको डीजल और पेट्रोल दोनों ही इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, वहीं पे इनोवा हाईक्रॉस में आपको सिर्फ नॉन हाइब्रिड और हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ही मिलते हैं, डीजल इंजन आपको इनोवा हाईक्रॉस में नहीं मिलता। तो इसीलिए हम इनोवा हाईक्रॉस के पेट्रोल इंजन को फॉर्च्यूनर लेजेंडर के पेट्रोल इंजन के साथ कंपेयर करते हैं। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो इनोवा हाईक्रॉस के दोनों ही पेट्रोल इंजन फॉर्च्यूनर लेजेंडर के पेट्रोल इंजन से काफी ज्यादा पावर और टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ से क्लियरली समझ आ जाता है कि इनोवा हाईक्रॉस फॉर्च्यूनर लेजेंडर के पेट्रोल वर्जन से काफी ज्यादा पावरफुल है। और बात करेंगे माइलेज की, तो फॉर्च्यूनर लेजेंडर के पेट्रोल वर्जन में आपको 10 से 11 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलती है। वहीं पे अगर हम इनोवा हाईक्रॉस के हाइब्रिड वर्जन की माइलेज की बात करें तो कंपनी इसमें 21.1 किलोमीटर काफी बढ़िया माइलेज क्लेम करती है। और नॉन हाइब्रिड वर्जन की माइलेज अभी तक कंपनी ने क्लेम नहीं करी, पर हम इसके नॉन हाइब्रिड वर्जन से 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो माइलेज वाइज अगर हम इन दोनों गाड़ियों को देखते हैं तो इनोवा हाईक्रॉस काफी फ्यूल इफिशियंट है कंपेयर टू फॉर्च्यूनर लेजेंडर। दोनों गाड़ियों की एक्सटीरियर लुक्स काफी बढ़िया है, पर जब बात आती है इंटीरियर लुक की तो इनोवा हाईक्रॉस का इंटीरियर काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है, वहीं पे फॉर्च्यूनर लेजेंडर का इंटीरियर काफी आउटडेटेड लगता है। इन दोनों ही गाड़ियों में आपको कुछ कॉमन एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी फॉग लैम्प्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर, एलईडी डीआरएल्स, 18 इंचेस अलॉय व्हील्स, शार्क फिन एंटीना, रियर वाइपर, डिफॉगर एंड पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रिकली पावर्ड टेलगेट, ये सारे फीचर्स आपको इन दोनों गाड़ियों में कॉमन मिल जाते हैं। पर इनोवा हाईक्रॉस में आपको फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है जो कि फॉर्च्यूनर लेजेंडर में नहीं मिलता। इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर में भी कुछ कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ड्यूअल जोन एसी, कार कनेक्टेड टेक, वेंटिलेटेड सीट्स, लेदराइट अपहोल्स्ट्री, रियर एसी वेंट्स, ये कुछ फीचर्स आपको इन दोनों गाड़ियों में कॉमन मिल जाते हैं। वहीं पे इनोवा हाईक्रॉस में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, पर फॉर्च्यूनर लेजेंडर में आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इनोवा हाईक्रॉस में आपको बड़ी 10.1 इंचेस की स्क्रीन मिल जाती है जिसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो भी चलता है वायरलेसली। वहीं पे फॉर्च्यूनर लेजेंडर में आपको 8 इंचेस की छोटी स्क्रीन मिलती है जिसमें भी वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो चलता है। और उसी के साथ इनोवा हाईक्रॉस में आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है जो कि फॉर्च्यूनर लेजेंडर में नहीं मिलता। इनोवा हाईक्रॉस में आपको बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, वहीं पे फॉर्च्यूनर लेजेंडर में आपको सनरूफ ही नहीं मिलती। इनोवा हाईक्रॉस में आपको 9 JBL के स्पीकर्स मिल जाते हैं, वहीं पे फॉर्च्यूनर लेजेंडर में आपको 11 JBL के स्पीकर्स मिल जाते हैं। इनोवा हाईक्रॉस की सेकंड रो में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल कैप्टन सीट्स मिल जाती है, पर फॉर्च्यूनर लेजेंडर में आपको कैप्टन सीट्स नहीं मिलती। तो इंटीरियर फीचर्स वाइज भी अगर देखें तो इनोवा हाईक्रॉस फॉर्च्यूनर लेजेंडर से काफी आगे है। बात करेंगे इन दोनों गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन सेफ्टी फीचर्स की, तो ABS विद EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, 4 डिस्क ब्रेक्स, ये कुछ कॉमन फीचर्स आपको इन दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। पर फॉर्च्यूनर लेजेंडर में आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं, वहीं पे इनोवा हाईक्रॉस में आपको सिर्फ 6 एयरबैग्स ही मिलते हैं। पर इनोवा हाईक्रॉस में आपको लेवल 2 ADAS के सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं जो कि फॉर्च्यूनर लेजेंडर में नहीं मिलते। तो सेफ्टी वाइज भी अगर देखें तो इनोवा हाईक्रॉस फॉर्च्यूनर लेजेंडर से काफी आगे है। तो अब बात करते हैं उन चार रीजंस की कि अगर आपको भी एक 7 सीटर गाड़ी लेनी है तो क्यों आपको इनोवा हाईक्रॉस लेनी चाहिए ना कि फॉर्च्यूनर लेजेंडर। तो रीजन नंबर 1 है ज्यादा कैबिन और बूट स्पेस। इनोवा हाईक्रॉस का व्हील बेस ज्यादा होने के कारण आपको इसके तीनों ही रोज में काफी बढ़िया स्पेस मिल जाती है, और तीनों ही रो में काफी बढ़िया स्पेस होने के बावजूद भी आपको इसके बूट में काफी बढ़िया स्पेस मिलती है जो कि फॉर्च्यूनर लेजेंडर में नहीं मिल पाती। तो ऐसे में अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आपको ये 7 सीटर काफी यूजफुल होने वाली है। आप इसमें काफी बढ़िया लॉन्ग ट्रिप्स कर सकते हो और आपका काफी सारा सामान भी ले जा सकते हो।
रीजन नंबर टू, फीचर्स। अगर हम बात करें एक्सटीरियर फीचर्स की, इंटीरियर फीचर्स की या फिर सेफ्टी फीचर्स की, तो इनोवा हाईक्रॉस हर किसी मामले में फॉर्च्यूनर लेजेंडर से ज्यादा फीचर रिच्ड है। और इनोवा हाईक्रॉस में वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आज की एक गाड़ी में होने चाहिए। वहीं पे फॉर्च्यूनर लेजेंडर में आपको कुछ भी फीचर्स नहीं मिलते। इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी होने के बाद भी आपको बेसिक फीचर्स ही आपको फॉर्च्यूनर लेजेंडर में मिलते हैं। रीजन नंबर थ्री, माइलेज। इनोवा हाईक्रॉस के हाइब्रिड वर्जन में आपको काफी बढ़िया माइलेज 21.1 किलोमीटर की कंपनी क्लेम करती है, पर रियल लाइफ में अगर गाड़ी ने 17 टू 18 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज भी अगर आपको दे दी, तो इतनी बड़ी गाड़ी से इतनी अच्छी माइलेज अगर आपको मिलेगी तो ये काफी बढ़िया बात रहेगी, क्योंकि फॉर्च्यूनर लेजेंडर में तो आपको सिंगल डिजिट माइलेज ही मिलने वाली है। रीजन नंबर फोर, पावरफुल इंजिन्स। इनोवा हाईक्रॉस के दोनों ही इंजिन्स फॉर्च्यूनर लेजेंडर के पेट्रोल इंजन से काफी ज्यादा पावरफुल है और काफी ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे में जब आप इस गाड़ी में बहुत सारे लोगों के साथ जाओगे और बहुत सारा सामान ले जाओगे, तो आपको इसका इंजन बिल्कुल भी अंडर पावर्ड नहीं लगेगा। तो क्लियरली अगर आपका बजट 35 लाख टू 40 लाख तक का है और आप एक ऐसी 7 सीटर लेना चाहती हो जो कि काफी कंफर्टेबल हो, स्पेशियस हो, अच्छी खासी माइलेज दे दे, जिसमें बहुत सारे फीचर्स भी हो, तो क्लियरली आपको इनोवा हाईक्रॉस ही ले लेनी चाहिए। तो इतना ही था आज की इस कंपैरिजन वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।